आजकल ऋषिकेश में कांवड़ियों का बहुत ही भीड़ है, देख सकते हैं आप खुद। मैं घर से निकल चुकी हूँ, मैं सात मोड़ को क्रॉस कर रही हूँ और अभी मैं फ्लाईओवर से नीचे आ चुकी हूँ। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैं विंडलेस रिवर वैली के पास पहुंच चुकी हूं। यहां से शुरू होती है विंडलेस रिवर वैली की एंट्री, विंडलेस रिवर वैली की सोसाइटी। बाहर से विंडलेस रिवर वैली ऐसी दिखती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। गाइस, अगर आप लोग देहरादून में घर सर्च कर रहे हैं तो यह सोसाइटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस सोसाइटी का नाम है विंडलेस रिवर वैली। तो गाइस, ये देख सकते हैं विंडलेस रिवर वैली का एंट्री इस तरह से आपको दिखेगा और यह बहुत बड़ी सोसाइटी है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ी सोसाइटी है। फुली इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप है, इसमें 3500 से ऊपर फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो यह आप सबके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर आप सबका सपना पूरा हो सकता है। यहाँ पर 35 तरह के साइजेस इसमें अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस अनुसार 1BH, 2BH, 3BH, 4BH, पेंट हाउसेस, स्टूडियो, जो चाहें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर से मैं आप सबको विंडलेस रिवर वैली लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आप सबको विंडलेस रिवर वैली। गाइस, ये है विंडलेस रिवर वैली का ऑफिस। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सोसाइटी है और कितना मतलब ये यहाँ का ऑफिस है। गाइज, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, यह सोसाइटी आपको पसंद आई है, आप यहाँ पे फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो गाइज आप मुझसे बात कीजिए। मैं यहाँ का एसोसिएट हूँ। इस वीडियो में मैं दो नंबर शो कर रही हूँ, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे स्विमिंग पूल है, तो एक स्विमिंग पूल ऑपरेशनल है जो अभी चल रही है, तो यहाँ पे मैं नहा तो नहीं सकती हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा पानी के साथ खेल रही हूँ। और ये है यहाँ के बास्केट एंड फुटबॉल स्टेडियम। गाइस, ये है विंडलेस रिवर वैली का अलकनंदा टावर और इसके फ्रंट का व्यू देख सकते हैं। इस तरह से आपको सोसाइटी दिखती है। सोसाइटी अभी नई है, सभी टावर अभी नए ही हैं, तो एक आध बचा होगा सेलिंग के लिए। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गाइज, इसमें मैं आपको 2100 स्क्वायर फीट में दिखाने वाली हूँ, जिसमें 4BH का है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि 4BH में 2100 स्क्वायर फीट में क्या क्या है। तो ये है यहाँ का हॉल और साथ में ओपन किचन है और काम आप देख सकते हैं, फॉल सीलिंग वगैरह हो रखा है। और आई होप कि ये किसी ने ले लिया। ओके, तो सर ये हॉल का क्या साइज है? कितना? 17x13 स्क्वायर फीट। और इसके साथ ही ओपन किचन है, तो आइए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। गाइस, ये है किचन, मतलब ये 2100 स्क्वायर फीट का साइज है। तो किचन भी काफ़ी अच्छा स्पेसियस है, यहाँ पे दोनों साइड से आपको कवर्ड है, दोनों साइड से स्लैब है और इसमें वर्क हो रखा है, मतलब मॉडुलर किचन बना हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है। अगर आप 2100 स्क्वायर फीट में लेते हैं तो आपका जो साइज है वो किचन का साइज भी अच्छा होगा, डाइनिंग एरिया भी अच्छा होगा और हॉल का एरिया भी अच्छा होगा।
तो ये तो आपने देख ही लिया, हॉल, किचन एंड डाइनिंग, ये डाइनिंग एरिया है। और इसके साथ ही डाइनिंग एरिया के साथ है मास्टर बेडरूम। तो गाइस ये है मास्टर बेडरूम, देख सकते हैं बहुत अच्छा, काफ़ी मतलब स्पेसियस तो है ही, रोशनीदार भी है, हवादार जिसको बोलते हैं। और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है यहाँ पर। तो गाइस ये यहाँ का बालकनी एरिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ से इस रूम का बालकनी है और बालकनी से जब हम बाहर आते हैं ये है यहाँ के बालकनी, और बालकनी भी काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पे एक फ्लावर पॉट तो आप साइड में रख ही सकते हैं, साथ ही बेड भी लगा सकते हैं, सिंगल बेड, काफ़ी अच्छा एरिया है। वॉशिंग मशीन भी आप लगा सकते हैं कपड़े सुखाने के लिए। और बाहर का जो व्यू है कितना सुंदर है, सोसाइटी का पूरा व्यू इसमें नज़र आ रहा है। साथ में सेंट्रल गार्डन है यहाँ पे, सेंट्रल पार्क है जो कि आपको नज़र आ रहे हैं सामने। अभी इसमें फ्लावर वगैरह नहीं लगा है, कुछ ही दिन में लग जाएगा। तो यहाँ का व्यू जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आपको दिखेगा, नज़र आएगा। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये 12x13 square feet है, चौड़ाई इसकी 12 होगी और लंबाई इसकी 13 है। तो काफ़ी अच्छा स्पेसियस एक रूम माना जाता है। बेड के साथ आपको चारों तरफ से बढ़िया स्पेस रहेगा, आप यहाँ चाहे तो एक कवर्ड या अलमीरा वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये अच्छा रूम, 12x13 जो रूम होता है, कमरे होता है, वो अच्छा स्पेसियस माना जाता है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूम दिखाती हूँ। इसका कवर्ड एरिया ये है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कवर्ड बनवाना है तो यहाँ पे आप अपने चॉइस अनुसार जो है बना सकते हैं, साइज़ इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे रूम में। तो गाइस फर्स्ट रूम तो आपने देख लिया है और ये है स्टडी रूम, सेकंड रूम में स्टडी रूम आता है। तो स्टडी रूम का भी साइज बहुत अच्छा है, इसमें एक सिंगल बेड आ जाएगा, साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए टेबल लगा सकते हैं और एक बुक रखने के लिए एक अलमीरा आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर फिर इसके साथ हम देखते हैं इसका वॉशरूम, ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, मतलब जो साइज स्टडी रूम के अकॉर्डिंग जो है वॉशरूम का साइज बहुत अच्छा है। और गाइज ये है इसका थर्ड रूम, थर्ड बेडरूम, और इसकी साइजेस मुझे लग रहा है 12x13 इसकी साइज भी लग रही है। ये इसका कवर्ड एरिया है, यहाँ पे कवर्ड बनेगा जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखेंगे। और काफ़ी खुला जगह है, एक साइड से आप बेड लगाएंगे, दूसरे साइड से मतलब यहाँ से बेड लगेगा और दोनों साइड जो है आपका ओपन एरिया रहेगा। काफ़ी खुला और स्पेसियस रूम है, रोशनी भी आप देख सकते हैं बाहर से आ रही है रोशनी अच्छी। इस वक्त जो है इसमें लाइट मतलब ऑन नहीं है, बिना लाइट की ही मैं शूट कर रही हूँ, और देख सकते हैं कि जो नेचुरल रोशनी है यहाँ से बाहर से जो आ रही है उसी रोशनी में मैं आपको शूट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से इसका बालकनी जाती है। और ये इस रूम का बालकनी है, मतलब थर्ड रूम का बालकनी, और इसका व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर, मतलब सोसाइटी का जो बाहर का व्यू नज़र आ रहा है हमें यहाँ से, पार्क जो सबकी जो कार गाड़ियाँ खड़ी है, और सोसाइटी का मेन व्यू यहाँ से आप पूरे सोसाइटी के लोगों से मिल सकते हैं, सब सबसे बातें भी कर सकते हैं और सब सबको आप देख सकते हैं। यहाँ से धूप एंड रोशनी, दोनों ही धूप रोशनी एंड हवा, तीनों चीज़ बहुत ही अच्छी आ रही है। इन तीनों चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो यह जो है सेट बिल्कुल अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। अब हम आपको लेकर चलते हैं फोर्थ रूम में। ये है इसका फोर्थ रूम, फोर्थ रूम भी अच्छा है, ये भी मुझे लग रहा है 12x11 square feet की होगी, और इसकी जो है कवर्ड एरिया छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कवर्ड बनेगी। अगर हम वॉल की बात करें तो वॉल को आप, इसकी चिकनाहट और इसके वर्क को आप गौर से देख सकते हैं, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, पेंट बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई होती है,
बाकी तो आप अपने चॉइस अनुसार अपना करवा सकते हैं। यह है वॉशरूम। वॉशरूम का साइज भी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी स्पेसियस जगह है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस साइड में आपका सिंक है, शेरा कंपनी का सिंक लगा हुआ है। जो भी मटेरियल है इसमें वॉशरूम में शेरा कंपनी का लगा हुआ है। और गैस इसके साथ भी बालकनी है जो कि अभी मैंने दिखाई है आपको। तो दोनों रूम का एक बालकनी है, दोनों अटैच बालकनी है। गैस यह 4 रूम का सेट है। अगर आप सर्वेंट रखते हैं तो जैसे ये किचन है, किचन में कुकिंग किया, किचन के साथ ही सर्वेंट का रूम है, सर्वेंट रूम, सर्वेंट क्वार्टर, मतलब हाँ सर्वेंट रूम है। तो आप इसकी साइज़ भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 8x8 तो होगी ही, या पता नहीं 10x8 होगी। तो एक बेड, सिंगल बेड आ जाएगी इसमें आराम से, और अपना थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह रखने के लिए आ जाएगा। तो ये रूम भी अच्छा है, बल्कि मतलब इसका साइज भी ठीक है। इसके साथ वॉशरूम होगी। तो जैसे कि 4 रूम है, तो 4 रूम के साथ 4 वॉशरूम है, और एक हॉल के साथ वॉशरूम है। मतलब 3 वॉशरूम रूम के साथ है और एक हॉल के साथ वॉशरूम है। तो इस तरह से यह 2100 स्क्वायर फीट का यह सेट जो है कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सुनील पाठक जी का भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये इसका बाहर का एरिया है। बाहर भी आप देख सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर 8 नेबर मिलेंगे। तो ये जो एरिया है काफ़ी खुला है, यहाँ पर चाहे तो आप सोफ़ा लगा सकते हैं और सभी नेबर बैठ कर जो है गपशप कर सकते हैं, टी के साथ अपना गॉसिप करते हुए इंजॉय कर सकते हैं। इसमें 2 लिफ्ट हैं और 2 स्टेयर्स हैं। एक लिफ्ट ये रहा और दूसरा लिफ्ट आपको ये अभी लगी नहीं है, लगने वाली है। और साथ में 2 स्टेयर्स हैं, एक ये और एक इधर है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।